खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है। हम आपको बता दें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। वहीं हम आपको बता दें नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुने गए हैं और सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। एनडीए आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। इसके लिए एनडीए के सभी दलों के नेता शाम 7:45 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे। वहीं हम आपको बता दें यह फैसला एनडीए की पहली बैठक में लिया गया है। इसी बीच हम आपको बता दें नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग करने का निर्णय प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। वहीं एनडीए की मीटिंग पीएम के आवास पर एक घंटे तक चली जहां 10 से ज्यादा पार्टियों के नेता शामिल रहे। हम आपको बता दें नेताओं के नाम इनमें जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल थे। वहीं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महोता और आरएलडी के जयंत चौधरी, वहीं जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एलजेपी के रामविलास के नेता चिराग पासवान भी इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं मैं आपको बता दें अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और हम के नेता जीतन राम मांझी भी बैठक में मुख्य रूप से शामिल हुए। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो जहां पे प्रधानमंत्री मोदी, टीडीपी प्रमुख और मुख्यमंत्री बिहार के बैठक में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है और नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं। हम आपको बता दें एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है और नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं।